जिला किन्नौर के नारको प्राकृतिक झील में सोमवार से राष्ट्रीय स्तर की आइस स्केटिंग प्रतियोगिता का समापन हो गया। इस प्रतियोगिता में देश के 15 राज्यों से 70 प्रतिभागियों ने भाग लिया। इस अवसर पर हिमाचल आइस स्केटिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष रोशन लाल ने कहा कि जिला किन्नौर में पहली बार राष्ट्रीय स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन हुआ है और भविष्य में भी एसोसिएशन द्वारा प्रतियोगिताएं कराई जाएंगी। एक नेशनल, कोई भी नेशनल, ये पहला नेशनल होगा जो हमने नाको में करवाया और आगे भविष्य में हमारे पास बहुत संभावनाएं आएँ कि यहाँ पर हम ये इस आइस स्केटिंग का आयोजन कर सकते हैं। दूसरी बात, ये जो 12,000 फीट पे हुआ, ये वर्ल्ड में पहली बार हो रहा जो 12,000 फीट की ऊंचाई पे लॉन्ग ट्रैक आइस स्केटिंग का जो नेशनल चैम्पियनशिप हुई, ये इंडिया में किन्नौर में नाको में पहली बार हो रही है। आपको बता दें कि इस लॉन्ग ट्रैक आइस स्केटिंग चैंपियनशिप में 13 से 15 और 16 से 19 वर्ष की महिलाएं और वरिष्ठ महिला और पुरुष कैटेगरी के खिलाड़ियों ने अपना दमखम दिखाया। वहीं विजेता खिलाड़ियों को मुख्य अतिथि ने मेडल देकर सम्मानित किया। मैं, मेरा सिल्वर मेडल आया है। ये लॉन्ग ट्रैक पहली बार इंडिया में हो रहा है, नाको यानी किन्नौर में, और यहाँ की फिट 12,000 फिट है और यहाँ पर मैनेजमेंट सब कुछ अच्छा किया गया है, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये मेरा पहली बार है यहाँ पे, आप 12,000 फीट पे आइस स्केटिंग करते हुए बहुत अच्छा फील आया मुझे यहाँ पे, बहुत अच्छा लगा। यहाँ का हॉस्पिटैलिटी और सब फैसिलिटीज़ बहुत अच्छा था। यहाँ पे अभी पहला नेशनल था मेरा, बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आइस स्केटिंग करके। इस दौरान स्थानीय गांव की महिलाओं ने पारंपरिक नृत्य कर इस खेल आयोजन में 4 चांद लगा दिए। आपको बता दें कि नाको झील 12,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और इस प्राकृतिक झील पर विश्व के सबसे ऊंचे और लंबे आइस स्केटिंग ट्रैक पर आइस स्केटिंग प्रतियोगिता का सफल समापन हुआ और ऐसे में पहली बार हुई इस प्रतियोगिता के चलते नाको झील पर विश्व के सबसे ऊंचे और लंबे आइस स्केटिंग ट्रैक का रिकॉर्ड बना है। आप पाए अपने हिमाचल की खबरें और न्यूज अपडेट्स व्हाट्सएप पर। लोकल लाइव हिमाचल का व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक पर क्लिक करें। न्यूज अपडेट अपने व्हाट्सएप पर।